नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आऊँ मैं YouTube पे महिला एंड बाल विकास का बहुत ही बढ़िया चैप्टर। देखो बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊँगा, कोई इसमें बिल्कुल हार्ड कोई शब्द नहीं होगा। जो शब्द एग्जाम में आते हैं, जो चीज़ें एग्जाम में आएंगी, वो चीज़ें बताऊँगा। यानी महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास, ठीक है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। देखो महिला एवं बाल विकास क्या चीज़ है, इसमें 2018 में ये नियम लागू किया है, 2018 में, कब 2018 में, ठीक है। देखो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वाले महिलाओं के जो खिलाफ अपराध होते हैं, वो महिलाओं के खिलाफ बहुत से अपराध होते हैं दोस्तों, खूब मतलब आप सब जानते हैं, हम एक समाज में रहते हैं, पता है कौन कौन से महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उत्पीड़न, महिलाओं के छेड़खानी, बलात्कार, ये सारे अपराध हैं। तो इन अपराधों को कानून में कैसे समझाया गया, वो चीज़ें इसमें बताई गई है, इसलिए हमें ये एग्जाम में जोड़ दिया गया महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ये चीज़ें एग्जाम में सिलेबस में जोड़ देगी। अब राजस्थान पुलिस हो, चाहे RS हो, चाहे रिट हो, सभी एग्जाम में महिला बाल विकास से क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं। देखो दोस्तों एक दो चीज़ें होती हैं, जब कोई अपराध करता है आदमी, तो आदमी को सजा मिलना और एक अपराध के बारे में बताना, ये चीज़ें दो तरीके से होती हैं। वो कैसे, देखो एक तो होती है IPC और एक होती है CRPC। देखो IPC तो भारतीय दंड संहिता, ठीक है, और एक CRPC होती है, ये लागू की गई थी 1860 के अंदर और ये लागू की गई थी 1973-74 के अंदर, 73-74 के लगभग, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों मैं आज आपको IPS के बारे में बताऊंगा, IPS में महिलाओं के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस के बाहर एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो सिलेबस में आया वही जो एग्जाम में आता रहता है। देखो अब देखो IPC, देखो पहले IPC आपको नोट्स बना रहे हैं, नोट्स इस हिसाब से बना रहा हूँ। IPC की धारा 354 जो आपके दे रखा है महिलाओं के खिलाफ अपराध, IPC की धारा 354, देखो 354 में क्या क्या दिया गया है, 354 में ओनली ये बताया गया किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी कि लज्जा का मतलब सब समझते हैं किसी स्त्री की इज्जत पे ला जाना, ठीक है, यानी कि उसके इस तरीके ऐसा काम करना जिससे उस स्त्री की लज्जा भंग होती हो, उस पर हमला करना, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये सारे उस लज्जा भंग में आ जाते हैं। ये 354 में दिया गया। क्वेश्चन आएगा यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करता है तो किस धारा के तहत अपराध होगा, तो 354 के तहत वो अपराध माना जाएगा। अब देखो दोस्तों कुछ धाराएं इसमें उपधाराएं बनाई गई है, तो धारा नंबर लिखना, धारा या सेक्शन 354A। देखो ये एक क्यों दिया गया है भाई, लज्जा किस किस प्रकार की होती है वो इसमें दिया गया है, कि लज्जा किस किस प्रकार की होती है वो इसमें दिया गया है। तो देखो पहली लज्जा, देखो एक का मतलब अटैच होना, अटैच का मतलब स्पर्श करना, यानी कि आपने किसी लेडीज को स्पर्श कर दिया या उसकी उसके प्रति अनुक्रिया कर दी, या आपने इसकी स्त्री को स्पर्श कर दिया, स्पर्श का मतलब उसको टच कर दिया। दूसरा, आप उसको अश्लील साहित्य दिखाना, ठीक है। तीसरा काम क्या कर दिया, आपने उसके खिलाफ टिप्पणी कर दी, टिप्पणी की, तो मोटी है, तो काली है, तो गोरी है, तो ये है, ठीक है, करना, ये सारे क्या होगी अपराध के अंदर आएगा, जिससे स्त्री को ये महसूस हो कि इसमें मेरी तो लज्जा भंग हो रही है, मेरा इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है, तो ये सारे 354A के तहत अपराध माने जाएंगे। देखो और इसके तहत देखो यदि आपने ये काम किया है तो इसमें आपको जो सजा होगी, क्या दोस्तों, जो सजा होगी वो होगी आपको एक से तीन वर्ष प्लस आपको इसमें जुर्माना भी देना पड़ सकता है, ये अब दूसरी बात और सुनो मेरे दोस्त, ये IPC ये कोर्ट में काम आती है, जबकि CRPS के तहत आपके खिलाफ FIR होगी, ठीक है, जो FIR होगी वो CRPS के तहत होगी, IPC के तहत आपके ओनली आपको कोर्ट आपको फैसला सुनाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, अब देखो तो होगा 354A। अब देखो धारा 354B
धारा 354 बी क्या कहती है? देखो ब्लाइंड या बोर्ड मीन्स गंजा होता है, ब्लाइंड मीन्स होता है आदमी अंधा, ठीक है, अंधे के लिए सब कुछ बराबर है, नग्गा करना, यानी कि बी का मतलब हो गया किसी स्त्री को निवस्त्र करना, निवस्त्र करना, निवस्त्र करना, यानी कि किसी स्त्री के कपड़े उतारना या उसके कपड़ा खींचना या उसके दुपट्टा खींचना या उसकी रुमाल छीनना या ऐसा काम करना उसकी स्त्री के कपड़ों को टच करना, ये सारे मतलब उस स्त्री को लग रहा है कि ये आदमी मेरे कपड़े खींचना मेरी इज्जत के ऊपर ला जाएगी, तो वो 354 बी के तहत अपराध माना जाएगा। अब देखो 354 धारा 354 सी, देखो सी का मतलब होता है कॉन्टेक्ट करना, कनेक्ट या कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कब होगा, कनेक्ट कब होगा, जब उसका हमारा कनेक्शन मिलेगा, मतलब आंखों से आंखों का इशारा मिलेगा तब वो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो कनेक्ट मतलब आंखों का इशारा, यानी कि किसी स्त्री की तरफ कम से कम 10 सेकंड तक रेगुलर, एक स्त्री की तरफ कनेक्ट मतलब किसी स्त्री की तरफ कम से कम 10 सेकंड तक रेगुलर देखना, देख 10 सेकंड तक देखना एक अपराध है। यदि उस स्त्री को लग गया कि आदमी मेरी तरफ देख रहा है 10 सेकंड हो गए, तो वो एक अपराध, वो आपके खिलाफ FIR करवा सकती है और 354 सी के तहत वो अपराध माना जाएगा। इसमें भी वही 1 से 3 वर्ष की सजा है, 1 से 3 वर्ष की सजा है, ठीक है, इसमें भी 1 से 3 वर्ष की सजा है इन सभी में। अब देखो धारा 354 डी, देखो दोस्तों डी का मतलब होता है दौड़ना, डी का मतलब क्या होता है दौड़ना, तो दौड़ना मतलब पीछा करना किसी स्त्री का, पीछा करना ये 354 डी के तहत अपराध माना जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब एक सेक्शन और दोस्तों, एक सेक्शन कौन से 354 डी होगी। अब देखो अब इसमें एक जो आपके सिलेबस में दे रखा वो देखो, एक दे रखी इसमें 509, कौन सी दे रखी 509, 509 में दे रखा है आप किसी धारा 509, धारा 509 आप किसी स्त्री को अपशब्द कहते हैं, अपशब्द, अपशब्द कहना एक अपराध माना जाएगा, यानी गाली गलौज करना ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम आगे वाली और सेक्शन, ये हो गई, ये आराम से अपना आराम से रिपीट करना, वीडियो को बार बार देखना ऑटोमेटिक आपके याद हो जाएगी, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आ गए, राजस्थान पुलिस में बहुत पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब चलते हैं आगे देखो, अब चलते हैं हम देखो 509 हो गई, अब इसके आगे चलते, अब देखो कुछ दहाई दे रखिए 375 धारा 375 धारा 375 यानी 375 में दे रखे, इसमें क्या दे रखा, इसमें बलात्कार की परिभाषा दे रखी, बलात्कार की परिभाषा दे रखी इसमें 375 में, बलात्कार की परिभाषा दे रखी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बलात्कार कई प्रकार का होता है आप भी जानते हो, हर चीज़ को सब जानते हैं चीज़ें, तो धारा 375 बलात्कार कहा जाता है। अब देखो इसमें धारा एक 376 धारा 376 के तहत जो 375 बलात्कार करेगा उसको 376 के तहत दंड मिलेगा, दंड यानी बलात्कार का दंड, 376 में बलात्कार का दंड दिया गया है। अब देखो दोस्तों कुछ इसकी उपधाराएं हैं, तो धारा लिख लो धारा 376 ए, 376 ए, देखो 376 ए क्या है कि उस स्त्री की दुर्दशा कर देना, 376 ए क्या कहता है कि वह बलात्कार, कि वह बलात्कार ऐसा बलात्कार जिससे उस पीड़िता की मृत्यु हो जाए, पीड़िता की मृत्यु तक बलात्कार करना, पीड़िता की मृत्यु तक बलात्कार करते रहना या उसके शरीर को सख्त विकसित कर देना, ठीक है, ये इसमें 376 एक के तहत अपराध है। इसमें आपको दोस्तों इसमें जो भी किस करेगा उस अपराधी को इसमें आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस मृत्यु दंड, प्लस मृत्यु दंड, मृत्यु दंड या दोनों हो सकते हैं, प्लस मृत्यु दंड या दोनों हो सकते हैं, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो 376 ए आ गया, अब हम पढ़ते 376 बी, देखो धारा 376 बी, 376 बी क्या था, बिछड़ना, बिछड़ना
यानी कि एक पति या पत्नी जब तलाक हो जाता है, पति या पत्नी हो गया या कोई भी जो रिलेशन होता है वो दूर हो गया, और रिलेशन होने के बाद एक पति अपनी पत्नी से रिश्ता बनाता है, यानी पति अपनी पत्नी से, पति अपनी पत्नी से, पत्नी से यानी कि संबंध पत्नी से अलग होने के बाद, अलग होने के बाद संबंध ये पति अपनी पत्नी से अलग होने के बाद भी संबंध बनाता है तो वो लेडीज की शिकायत कोर्ट में जाके कह सकती है या पुलिस में एफआईआर करवा सकती है कि ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो ये सारे संबंध बनाता है तो वो अब 376 बी के तहत अपराध माना जाएगा। अब देखो 376 बी हो गया, अब 376 सी में चलते हैं। देखो सी क्या कहता है, 376 सी ये कहता है कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा बलात्कार करना, सरकारी कर्मचारी का मतलब ये हो गया, सरकारी कर्मचारी से आशय ये हो गया कि सरकार वो जहाँ काम करती है वहाँ उसका शोषण हो रहा है, तो 376 के तहत सरकारी कर्मचारी होता है जहाँ शोषण हो गया तो 376 के तहत वो एक अपराध माना जाएगा। इसमें जो इस वाले में ना इसमें सजा है 2 से 7 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष, और इसमें भी सजा है वो 2 से 7 वर्ष की है, ठीक है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष की है। अब चलो आगे, अब 376 डी, धारा 376 डी क्या कहती है, धारा 376 डी यह कहती है कि सामूहिक बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना यानी कि सामूहिक बलात्कार करना, यानी कि जो निर्भया कांड हुआ था उसमें याद रखना कि उसमें 376 डी के तहत उन लोगों को सजा मिली थी, ठीक है। इसमें कठोर कारावास प्लस इसमें 20 वर्ष की सजा या 20 वर्ष की सजा ये प्रावधान है, ठीक है। इसे मृत्युदंड भी हो सकता है, यदि वो आदि दोबारा ये अपराध करता है तो इसे मृत्युदंड भी कहेगा। अब देखो आगे चलते हैं, देखो धारा 376 ई क्या कहती है दोस्तों, 376 ई ये बताती है कि आपने यदि ये अपराध 376 ए बी सी डी ये वाले अपराध आप दोबारा करते हो तो इसके लिए आपको बिल्कुल सजा है वो एक तो गैर जमानत होगी, यानी कि आपको जमानत नहीं मिली, गैर जमानती प्लस आपको मृत्युदंड होगा, पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी या मृत्युदंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो जो आपको बताने वाला हूँ। देखो इस IPC में 2018 में एक संशोधन करके इसमें 2018 में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्यों किया गया, जो आजकल जो तेजाबी हमला यानी कि तेजाब से कोई हमला कर रहा है तो उसकी सजा प्रावधान है, तेजाबी हमला के लिए कम से कम आदमी को 20 वर्ष की सजा होगी। कोई तेजाबी हमला करता है तो उसे 20 वर्ष की सजा प्लस वह पीड़िता अपना बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होके वहाँ अपना बयान दर्ज करवा सकती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पीड़िता अपना बयान कहाँ देगी, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, कि यदि किसी लेडी का तेजाबी हमला होता है तो वह अपना बयान कहाँ देगी, तो वह अपना बयान देगी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके लिए अगला चैप्टर कल आएगा, कल या परसों में CRPC का जो और भी इंपॉर्टेंट होगा, फिर हम उसके बाद जो लेडीज और अपराध है वो पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रहेगा, उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलते चलते हम बालकों के जो अपराध है वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2-3 वीडियो आप देख लेना, इसके बाहर यदि एक भी क्वेश्चन आपको मिला हो राजस्थान पुलिस में या तो मेरे को बताना, भाई ये क्वेश्चन बाहर से था, जो संशोधन हो गए 2018 के बाद में उसका मुझे पता नहीं, वही बता दूंगा यदि देख के, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, थैंक यू दोस्तों।